अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम और वेलकम है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात लेकर के आया हूँ आपके सामने, तो वो जो है रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग, पद सहायक उर्दू अनुवादक का जो काउंसलिंग है उसके रिलेटेड है। क्या क्या कुछ बातें हैं, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद कि अब तमाम लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पद सहायक उर्दू अनुवादक क्या है। पद सहायक उर्दू अनुवादक की मुख्य परीक्षा की उपरांत काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 1374 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ज्ञापांक 2499 और दिनांक 6/7/2022 द्वारा आयोग के वेबसाइट ये है पर प्रदर्शित है, यानी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। उक्त सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग दिनांक 26 से लेकर के 6/8 तक है। सभी लोगों का काउंसलिंग कब से कब तक है दोस्तों, 26 से लेकर के 8 तक है। लेकिन अब इस काउंसलिंग में कहाँ काउंसलिंग है, क्या क्या है, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आयोग द्वारा कार्यालय में आयोजित की जाएगी, यानी कहीं पर नहीं, इधर उधर जो अफवाह में आप लोग फंसे हुए हैं, कहीं पर नहीं बल्कि BSSC ऑफिस में ही की जाएगी। काउंसलिंग से संबंधित अभ्यर्थियों को अनुपरमांग की सूची तिथिवार कार्यक्रम के साथ आयोग के वेबसाइट BSSC Bihar GOV पर प्रदर्शित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पद सहायक उर्दू अनुवादक से संबंधित सूचना में दिए गए निर्देश अनुदेशों का अनुपालन, यानी जो है 7/7/2022 को जो है पूरा जो है काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में बता दिया गया है। तो अवलोकन कर सूचना में दिए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो उसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक और इंटर, मैट्रिक और किसका दोस्तों, मैट्रिक इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, एक है अंक पत्र और दूसरा प्रमाण पत्र। इसी तरीके से इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद 3 फोटो कम से कम जो है दोस्तों, हाल का खींचा हुआ 3 फोटो होना चाहिए। 3 जितने भी दस्तावेजात हैं सब दस्तावेज को कम से कम जो है 3 कापी आप कर लेंगे, 3 कापी सभी का, और जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर जो एक बड़ा मसला है, जो आपका 2019 से पहले का होना चाहिए, वो भी अगर आपके पास है तो लेके चले जाइए, अगर नहीं है फिर भी चले जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों किन किन लोगों का है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के, यानी काउंसलिंग जो है 26/7 को जिन लोगों का है 26/7/2022 और टाइमिंग जो है 10 बजे तक, इतने सारे लोगों का है। तो आप इतने सारे लोग क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यानी 26 या 10 बजे से पहले पहले, यानी आप 9 बजे तक ज़रूर पहुंच जाएंगे BSSC कार्यालय पटना में, ठीक है। और अगली बात है दोस्तों, ये जो है फिर 26 तारीख का ये है, अगर इनमें से जहाँ पे भी आपका नाम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखिए कि मेरा डेट इस डेट को आया है। तो बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करके आप लोग एक साथ में जा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपका काउंसलिंग डेट कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला है दोस्तों 27 को 10 बजे से लेकर के, इतने सारे लोगों का है। 27 को कितने बजे से लेकर के, 10 बजे से लेकर के, इतने सारे लोगों का है दोस्तों। वो कितने बजे से है, 10 बजे से, ठीक। अब अगला देखते हैं 28 को कितने लोगों का है, ये देखिए दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 28 को इतने सारे लोगों का है, कब को दोस्तों, 28 को देखते हैं, 28 को इतने सारे लोगों का है। अब 28 के बाद अगर हम देखें 29 को कितने लोगों का है, तो देखिए ये 29 में इतने सारे लोगों का है, 29 में टाइमिंग सबका 10 बजे है, ठीक है, टाइमिंग सबका 10 बजे से है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 29 को इतने सारे लोगों का है, ठीक है, 29 को जो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, 29 को इतने सारे लोगों का है। और थोड़ा सा मैं आगे भी कर देता हूँ, जिनको नहीं हुआ तो दोबारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इतने सारे लोगों का 29 को है। अब आगे है 30 को कितने सारे लोगों का है, 30 को जो है सब शुरू में क्या है आपका 100 है, ठीक है, तो ये आप देख लिए। तो 30 को जो है इतने सारे लोगों का है,
जितना भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है 30 में आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना देखिए कि कहाँ पे मेरा रोल नंबर है। इसके बाद मैं आपको बढ़ा देता हूँ इतने सारे लोगों का फिर से 30 मतलब जो स्क्रीन ये नहीं हुआ था दिखा नहीं था उसके बाद इतने सारे लोगों का है। ये दूसरा नंबर पेज है फिर जो है एक आठ को जो है फिर 10 बजे कितने सारे लोगों का है इतने सारे लोगों का है। फिर जो बच रहा है मैं उसको भी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। एक आठ को ये हो गया मतलब हाँ एक आठ को इतने सारे लोगों का हो गया। अब देखिए दोस्तों दो आठ को यहाँ से लेकर के इतने सारे लोगों का है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए और पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे लोगों का ये है। तो दोस्तों और जो है यहाँ पर है 30 आठ को इतने सारे लोगों का है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद 4 आठ को इतने सारे लोगों का है जो बाकी रह जा रहा है उसको भी मैं दिखा रहे रहा हूँ बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं या फिर आयोग के वेबसाइट में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 5 सात को इतने लोगों का है देख सकते हैं। और 6 आठ को कितने को दोस्तों 6 आठ को इतने लोगों का है ये कल ही यानी 14 तारीख को किस कब को दोस्तों 14 तारीख को आया था और आप लोग अफवाह में नहीं फंसे एक आया था अफवाह में बहुत सारे लोग फंस गए थे तो अफवाह में आप नहीं फंसे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों का रख ख्याल और हमें दुआ देते रहें और जो आपका अगर जब भी है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपका काउंसलिंग डेट कब है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अगर आपका आ गया है तो सारी चीज़ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मैं उसका निराकरण करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों लेता हूँ विदा तब तक के लिए खुदा हाफिज़।